हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जायका है दिल्ली में। मैं आज बनाऊंगी पकौड़े की रेसिपी और मैं यहाँ पे फूल गोभी, बैंगन और आलू की पकौड़ी बनाने जा रही हूँ। तो चलिए रेसिपी करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 5 से 6 आलू लिए हैं जिसको मैंने छीलने के बाद एकदम राउंड शेप में कट कर लिया है, और मैंने यहाँ पर 2 बैंगन लिए हैं जिनको मैंने कट कर लिया है और अच्छे से वॉश भी कर लिया है। तो यहाँ बैंगन जो है मैंने यहाँ पे 2 लिए हैं फुल साइज़ के, जिनको मैंने राउंड शेप में कट कर लिया है, और मैंने एक छोटा सा फूल गोभी लिया था जिसको मैंने कट कर लिया है और इसके जो फूल होते हैं वो मैंने निकाल लिए हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फूल भी नहीं कट किए हैं, छोटे छोटे से फूलों को मैंने कट कर लिया है। और यहाँ पर अब मैं इसके लिए एक बैटर प्रिपेयर करूँगी। तो देखिए, 4 कप मैं यहाँ पर बेसन लूँगी, तो मैं यहाँ पे बड़े बड़े 4 कप ले रही हूँ बेसन, और मैं बेसन की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी थिक रखूँगी। और इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी हरी मिर्चें। तो मैं यहाँ पे 8 से 10 हरी मिर्चें ऐड करूँगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पे हरी मिर्चों को कट कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर का, लेकिन मैं यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर का यूज़ नहीं करूँगी। और अब मैं यहाँ पे एक मीडियम साइज़ प्याज को ऐड करूँगी और इसको एकदम फाइनली स्लाइसेस में कट करके ऐड करना है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा पकौड़ियों में। और मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। नमक मैंने एकदम परफेक्ट ऐड किया है इसमें। और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे ज़ीरा लिया है। और अब मैं यहाँ पे पानी ऐड करूँगी इसमें। तो देखिए, मैंने इसमें 1 गिलास भर के पानी ऐड किया है, और मैंने 1 गिलास पानी अपने पास रख लिया है। तो अब हमें जो रिक्वायरमेंट्स होगी तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे। तो एकदम से आप पानी ऐड ना करें, पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे। और अब हम फिर से पानी ऐड करेंगे इसमें। तो देखिए, बैटर की जो क्वांटिटी है हमें थोड़ी थिक रखनी है, ताकि जो उस पर पकौड़ियों पे अच्छी तरीके से, आलू पे अच्छी तरीके से कोट हो जाएगी। तो देखिए, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी रखी है मैंने बैटर की। बस अब इससे ज़्यादा पानी हम इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। और इसकी बैटर की कंसिस्टेंसी पता करने के लिए देखिए मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो सबसे पहले आपको आलू लेना है, और इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बैटर अच्छे से कोट हो गया है आलूओं पर, तो इसका मतलब इसकी जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं सबसे पहले पकौड़ी बनाऊंगी गोभी की। देखिए, मैंने यहाँ पे फूल गोभी ली है और इसकी पकौड़ी बनाऊंगी मैं। फूल गोभी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं इसकी पकौड़ी बना रही हूँ। तो देखिए, मैंने कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है, और मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ कि ऑयल अच्छे से गरम हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो देखिए, मैंने थोड़े से बेसन को ऐड किया है, तो इसका मतलब ये है कि जो ऑयल है वो अच्छे से गरम हो गया है, और अब मैं यहाँ पे पकौड़ी ऐड कर सकती हूँ। और अब मैं 1 बाय 1 करके सारे पीसेस ऐड कर दूँगी गोभी के। एक टिप्स ये भी है कि जब आप पकौड़ी को ऐड करें कढ़ाई के अंदर, तो उस टाइम जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मतलब मीडियम हीट ऑयल में ही आप पकौड़ी को ऐड करें। इससे पकौड़ी जो है अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाती है, और 2 से 3 मिनट के बाद आप इसको पलट दें। एकदम से आप पकौड़ियों को ना पलटें, वरना इसकी जो कोटिंग है वो हट जाएगी। और हम इसको पलट दे रहे हैं, इसको पलट पलट के फ्राई करेंगे हम। और जैसे ही से कलर हल्का सा
डार्क हो जाएगा बेसन का, हम इसको निकाल लेंगे तो आप देख सकते हैं जो बेसन का कलर है वो डार्क हो गया है। और अब मैं पकौड़ियों को निकाल लूँगी और अब गोभी की जो पकौड़ी हैं बन के रेडी हो गई हैं। ऐसे ही मैं बाकी की पकौड़ियों को भी निकाल लूँगी। और ऐसे ही हमें आलू की और बैंगन की पकौड़ियों को भी फ्राई कर लेना है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।